बीजेपी जिसने पांचवी लिस्ट जारी कर दी है और लिस्ट में बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं और बीजेपी ने कंगना रनौत को टिकट दिया है और बीजेपी से टिकट मिलने पर कंगना रनौत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पार्टी का आभार जताया है, कहा जीत के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मंडी से टिकट दिया है बीजेपी ने कंगना रनौत को और टिकट मिलने के बाद इंडिया न्यूज पर कंगना रनौत ने कहा कि मैं तो जीत के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत पर भरोसा बीजेपी ने दिखाया। होली का त्योहार मना रही है कंगना ने 2024 की तैयारी पर मीडिया से बात भी की। बीजेपी की तारीफ तो वो लगातार करती रही है जिसका एक तरीके से इनाम भी टिकट के तौर पर उन्हें मिला है। दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की और ये मेरा सौभाग्य है। देखिए ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है, मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है। हमारे जो एक्स सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी मुझे मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, मैं उनकी सदैव आभारी हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। देखिए चैलेंजेस तो हमेशा से ही आए हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोज़गार के लिए बाहर चली गई थी, तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि हाँ कंगना हमारी सेवा में आए, तो डेफिनेटली मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगी। वो मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे दिलीप जी होगी, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, जो दिग्गज हैं, जिन्होंने कई सालों से, कई दशकों से जो संघर्ष में रत हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मेरा मार्गदर्शन, अपनी छोटी बहन समझकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे और मुझे बताएंगे क्या क्या करना है। और ये हमारी पार्टी में जिस तरह का जो कल्चर है, आपको पता है कि RSS का हो चाहे या तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है, वो बहुत ही, सब लोग एक दूसरे को सहयोग करने में विश्वास रखते हैं, तो उसी सहयोग के चलते हुए मैं भी इनके पीछे पीछे चलूंगी और हम लोग विजयी रहेंगे। देखिए मैं तो इनकी कृपा पात्र हूँ। आज सब मेरे भाई जो हैं यहाँ पहुँच गए हैं, ये मेरा मार्गदर्शन करेंगे और बहुत बड़ा कैंपेन हम करेंगे। आपको पता है कि मंडी बहुत बड़ा एक उसमें जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा एक भाग आते हैं और लोग आते हैं, तो हम लोग सब जगह कैंपेन्स करेंगे, हर लोगों तक, छोटे छोटे गाँव तक, छोटे छोटे कस्बों तक पहुँचेंगे और लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे कि किस तरह से एक नई आवाज़, एक नया उत्साह और नए साहस के साथ जो है हम भारतीय जनता पार्टी के जो उनका एक एजेंडा है, जो उनका एक गोल है, वो हम जनसाधारण तक, एक एक अपने भाई बहन माताओं तक लेके जाएंगे। लेगा अब हम भी कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से जहाँ जहाँ हमें आदेश होगा वहाँ वहाँ जाके, अब हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो हम हैं वो पार्टी के ही साथ है और पार्टी की विजय में हमारी विजय है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की विजय में ही हमारी विजय है। अब हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा अपना अस्तित्व है, कि हम कंगना हैं या हम कोई एक स्टार हैं, कि हमारा यहाँ जाने से क्या अच्छा होगा या कितना परिश्रम, ये हमने इस तरह की विचारधारा को अब त्याग दिया है। अब हम एक मामूली से कार्यकर्ता है पार्टी में, जहाँ हमें भेजा जाएगा हम वहीं जाएंगे। जीत के संसद पहुंचने प्रायोरिटीज क्या है? मेरी प्रायोरिटीज देखिए, जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो उनसे, ना कि वो सिर्फ इस भारत के बल्कि वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, तो हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। उनके जो एजेंडा होंगे, हम उनकी सेना बनकर हम एक साधारण मानवीय तक पहुँच जाएंगे इस प्रदेश में। और वो इतने लोकप्रिय हैं, हम नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे। हमें ये, हमारा ये मानना है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे कर्मों से, उनके परिश्रम से, उनके नाम से, उनके बल से हम जीतेंगे।
हमारे घर में बहुत ही एक भावुक माहौल बना हुआ है और इतना शुभ दिन जो होली का दिन है उस दिन मुझे इस पार्टी से जुड़ने का मौका मिला, इतने सारे लोगों को से प्रेरणा मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा फिर से। अब एक छोटी उम्र में मैंने काम शुरू किया था, हाई प्रोफाइल करियर रहा, अब इस उम्र में आके मैं फिर से स्क्रैच से शुरू करूँगी। मेरे सब भाई बहनों का, मुझे मेरी फैमिली का सहयोग मिलेगा। बहुत छोटी उम्र में मैं एक कह लीजिए कि एक स्कूल से ही चली गई थी बाहर पढ़ने के लिए, उसके बाद कभी वापस नहीं आई, कुछ हफ्ता 10 दिन के लिए आ गई तो आ गई। तो अब माँ बाप का प्यार फिर से मिलेगा, अपने लोगों का प्यार, अपने लोगों की खान पान सारा जो रहता है, तो उससे अच्छा और उससे सौभाग्यशाली मेरे लिए क्या हो सकता है। देखिए काम तो आपको पता है कि समस्त भारत में ही करने के लिए बहुत है। अभी हम लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का प्लान बनाया हुआ है, तो हर जगह जगह काम करने का बहुत है। उसी तरह से मंडी में अब इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है उसका हम पूरा चिट्ठा लेंगे, लेखा जोखा लेंगे, कितनी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग हैं, कितनी चीज़ें जो हैं आगे हम लोग लॉन्च करेंगे, वो सब मैं हमारी जो एक शीर्ष नेतृत्व है उनसे पूछकर, उनसे बात करके हम पूरा अपना जो एजेंडा है वो आप सबके पास जल्दी रखेंगे। कंगना रनौत टिकट मिलने के बाद जीत को लेकर आश्वस्त हैं।